हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह अपने मिक्स को आप परफेक्ट तरीके से बैलेंस कर सकते हो। तो काफी लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि वीडियो लाओ लेबलिंग पे, तो वीडियो आ चुकी है, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। और किस तरह आप लेवल करते हो, बैलेंस करते हो, इस वीडियो में आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हो। तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो भी आपने ट्रैक ले रखे वो मिक्सर में इस तरह से ले जाने हैं, और सबसे पहले क्या करना, उसकी मिक्सिंग कर देनी है। अगर आप पहले इस तरह से लेवलिंग वगैरह कर दोगे और उसके बाद EQ कंप्रेशन वगैरह इसमें डालोगे तो क्या लेवल ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ कि आपको सारी चीजों को पहले मिक्स कर देना, ठीक है, अपने इक्वलाइजर कंप्रेशन जो जो लाना है, जो गिटार कॉर्ड्स जो भी है आपके पास, इसमें बेस है, वोकल्स है, सबको पहले मिक्स कर देना। उसके बाद क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाके जहां पर आपकी सारी चीजें प्ले हो रही है उसको इस तरह लूप कर देना है, ठीक है। वापस आएंगे मिक्सर पे, अब यहाँ से आपकी क्रिएटिविटी शुरू होती है। तो क्या करना है, जो भी आपके पास ट्रैक है सभी इस तरह सेलेक्ट कर देना सब चीजों को। तो जो आपके ये सैंड्स वगैरह है, जो आपने सैंड्स बनाए, बसेस बनाए, उसको मत सेलेक्ट करना है क्योंकि वो खराब हो जाएगा, पहले आपने सेट कर रखे। बाकी एलिमेंट को आपने इस तरह सेलेक्ट करके इसकी वॉल्यूम को इस तरह से नीचे ले जाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, जो भी आपका ट्रैक है उसमें सबसे लाउडेस्ट पार्ट क्या होता है। जो ट्रैक में हमारी सबसे लाउडेस्ट पार्ट चीज होती है वो होती है, एलिमेंट होता है, वो होती है किक। तो किक को यहाँ से मैं रीसेट करूंगा, या फिर आप किक से मिक्सिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो किक ले रखी है, इसको पहले मैं रीसेट करूंगा, अब यहाँ से इसको मैं बैलेंस करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा, तो जो यहाँ पर आती है एक, जो हेडरूम छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हो, -6 dB का या -9 dB का, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से पुश करूंगा -9 या -6 dB के आसपास, ठीक है। तो मैं मैक्सिमम टाइम -9 रखता हूँ, ठीक है, -9, क्योंकि जब आप बाद में सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो एक या दो डीबी का बूस्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 9 पे रखूंगा तो ऑब्वियसली सी बात है बाद में सारी चीजों को आपस में मिक्स करके -6 के आसपास ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए -9 के आसपास मैं किक को अपनी रखना शुरू करूंगा पहले, ठीक है। तो ये -9 के आसपास मैंने इसको सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद बाकी चीजें आपने धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जानी है, ठीक है, धीरे धीरे इसके साथ ब्लेंड करना, ठीक है। और ये आपने प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा आपके कान ट्रेंड हो गए तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हो आप, मोनो इस ट्रैक को यहाँ पे मोनो कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको पता ना लगे तो इस ट्रैक को इस तरह से राइट की ओर ले जाके इसको मोनो कर सकते हैं। मोनो करने से क्या होगा, जो बाकी चीजें सारी चीजें होती है, जैसे आपके वोकल गिटार्स वगैरह जिसमें ठूस ठूस के रिवर्ब भरी होती है, तो वो क्या होता है, सारी चीजें आपको सेंटर में सुनाई देगी। तो उसके बाद वहां पर आपको जो आपका बैलेंस है वो परफेक्ट सुनाई देगा, लाउडनेस कितनी आपने रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मोनो भी ले जा सकते हो, ठीक है। और दूसरी क्लैप इसके साथ मैच करूंगा मैं, ठीक है। अब हाई हैट को ऊपर की ओर ले जाऊंगा, ठीक है। सभी चीजों को इस तरह से धीरे धीरे आपने ऊपर नीचे करना, ठीक है। ये ध्यान रखना जो भी आपकी किक है, किक से लाउड नहीं होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। किक के आपस में मतलब मैच होनी चाहिए सारी चीजें, हाई हैट। तो इस तरह से आपने ये मैच करनी है, तो ये इस तरह से मैच कर सकता हो परफेक्ट में। अगर आप इसको मोनो करते तो आपको पता परफेक्ट उसकी लेवल पता लगेगी कि कितना ये लाउड प्ले हो रहा है। तो इसके बाद हम बेस को आपस में इसके साथ आपस में ब्लेंड करेंगे, ठीक है। सभी चीजों को इस तरह से आपने आपस में ब्लेंड करना, ठीक है। ये ध्यान रखे कि किक को ओवरलैप नहीं करिए, बाकी चीजों को ओवरलैप नहीं होना चाहिए, बाकी चीजें मतलब उसके लेवल के हिसाब से आपने इसको मिक्स करना, ऊपर की ओर ले जाना है गिटार।
जो कॉर्ड्स है उसको भी ऊपर के ले जाएंगे, पियानो की कॉर्ड्स है जो। इस तरह से देखो मैंने पूरा ऊपर ले लिया, तो क्या कर रहा है जो 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 अपनी पियानो कॉर्ड्स है वो बहुत ज्यादा लाउड सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इसके आपस में सारी चीजों के साथ बैलेंस करना ताकि बराबर सुनाई दे, ठीक है। तो यहाँ पर परफेक्ट सुनाई दे रहा है, ठीक है। बाकी चीजों को भी इसी हिसाब से ऊपर ले जाना। अब मैं वोकल को यहाँ पर ब्लेंड करूंगा, तो यहाँ पे देखो जैसे वोकल मैंने पूरा ऊपर किया तो काफी लाउड सुनाई दे रहा है बाकी चीजों से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर परफेक्ट वे में ये जो बैलेंस है वो हो गया, बाकी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको स्टीरियो में भी करके उसके बाद इसमें सुन सकते हो किस तरह से सुनाई दे रहा, ठीक है। ठीक है, देखो परफेक्ट वे में हो गया। तो इसी तरह से आपने सारी चीजों को नीचे ले जाना, फिर आपस में ब्लेंड करना है मोनो पे ले जाके, आप ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजें सेंटर में सुनाई देगी, ठीक है। तो उससे सारी चीजें आपकी लाउडनेस पूरी पता लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफएक्स कहाँ है मेरे पास, थोड़े से एफएक्स है यहाँ पे, इसमें इसको भी मैं बैलेंस करूंगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। परफेक्ट, और ये बैकग्राउंड वोकल है थोड़े से, इसको यहां से मैं बैलेंस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये पियानो है अपने पास काफी ज्यादा लाउड है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे। तो इस तरह से आपके पास देखो सारी चीजें परफेक्ट बैलेंस हो गई है। बाद में इसको आप यहां से रीसेट कर सकते हो, फिर सारी चीजें एक साथ सुन सकते हो, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देखो ये परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहां पर अगर मैं मास्टर पे जाऊं तो इसकी जो लाउडनेस है वो चेक करेंगे, ठीक है, जहां पे सारी चीजें अपनी प्ले हो रही थी यहां पे देखेंगे मीटर पे, ठीक है। तो देखो मैंने -9 जो अपनी किक की जो लाउडनेस रखी थी -9, और बाकी चीजें मिक्स करने के बाद देखो थोड़ा सा 3 dB का इसमें बूस्ट जरूर मिला है और ये 6 dB के आसपास आ गया। देखो -6 के अराउंड ये हिट कर रहा है, तो यहां से ऊपर अपने को कितना डीबी का जो हेडरूम बचा वो है -6 dB का। अब इसके ऊपर आप मास्टरिंग आसानी से कर सकते हो और या फिर किसी को दे सकते हो, इजी वे में हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लेवल कर सकते हो। बाकी जो लेवलिंग और बैलेंसिंग है, जो लाउडनेस है, वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, तब जाके आपको पता लगेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, अपने कानों को ट्रेन करोगे, और जिन लोगों को सैंपल पैक चाहिए, जो नए है जिनको पता नहीं है, अल्टीमेट प्रोड्यूसर बंडल मैंने दिया है सभी लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें कैटलॉग बना रखे मैंने, एक बार सभी लोग वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ।